गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गुरुदत्त शर्मा, वाइस प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी। आई एम हियर टू ब्रिंग यू द लाइव इंटरैक्टिव सेशन ऑफ क्लास 10th इन द सब्जेक्ट साइंस। Dear learners, in this lecture we will be studying class 10th chapter light of physics part. So please join fast. प्यारे बच्चों, the whole syllabus of science is divided into 3 parts: physics, chemistry part and biology part. And I feel that most of the students feel difficulty in understanding the concept of physics. That's why we have brought here physics class for you. So before starting the lecture, I would like to thank केंद्रीय विद्यालय संगठन, हाई अथॉरिटीज ऑफ अवर दिल्ली रीजन, अवर डेप्टी कमिश्नर सर ऑनरेबल श्री नरेंद्र गोयल जी, अवर ऑनरेबल असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड आर अदर हाई अथॉरिटीज फॉर क्रिएटिंग, फॉर अलाउइंग सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू, सो दैट यू मे remain safe, healthy during this lockdown period and your studies may not suffer. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में इस समय लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे देश की एजुकेशन को लॉकडाउन नहीं होना है, हमें नहीं रुकना है। बच्चों, सभी चीजें रिकवर हो सकती हैं, मगर अगर हम एजुकेशन के फील्ड में एक बार पिछड़ गए तो बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा और हमारा देश कई वर्ष पीछे चला जाएगा। बच्चों, आपने सुना होगा एक कहावत है, किसी ने कहा था कि अगर सारी दुनिया सब कुछ नष्ट हो जाए तो वो क्या एक चीज है जो अगर शेष रह जाए, बच जाए, तो दोबारा से पूरी सृष्टि ठीक इसी तरह से फलीभूत हो सकती है। तो वो क्या है? वो एजुकेशन है, लिटरेचर है। ठीक है बच्चों, तो अगर एजुकेशन जिंदा है तो फिर से सभी चीजें रिकवर कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करना मत छोड़िए, अपने घर पर सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, डेली एक्सरसाइज करिए। और आपके लिए देखिए, आरओ दिल्ली रीजन ने जो लाइव क्लासेज अरेंज की है, इनको आप डेली अटेंड करिए एट प्रॉपर टाइमिंग्स एंड यू आर नॉट सपोज टू स्किप एनी क्लास। आप इस लेक्चर को बाद में भी सुन सकते हैं दोबारा, कितनी भी बार सुन सुनकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडे चैप्टर लाइट फ्रॉम द पार्ट फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। सो वेलकम वंस अगेन ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। डियर लर्नर्स, एज यू नो दैट What is light? तो जैसे ही light ये word आता है, हमारे मस्तिष्क में क्या चलता है? Light is anything which makes us capable of seeing, observing and viewing the things. So light is a form of energy actually. Light is a form of energy which develops the sensation of sight इन योर आईज। प्यारे बच्चों, मान लो आप एक कमरे में हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में नजर आ रही हैं, ठीक है? क्यों नजर आ रही हैं? अब आप कहोगे मेरे पास आंखें हैं जिसके कारण मैं उन चीजों को देख पा रहा हूं। तो मान लीजिए कमरे को चारों तरफ से लॉक कर दिया जाए एंड कंप्लीट डार्कनेस इज प्रोड्यूस्ड इन द रूम,
पूरा अंधेरा कर दे जाए, विल यू बी एबल टू सी द थिंग्स अराउंड यू? सर्टेनली नॉट, बिकॉज आईज आर नॉट द ओनली थिंग विच आर सफिशियंट टू सी द ऑब्जेक्ट्स. उसके लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले ऊपर उसके ऊपर लाइट फॉल करनी चाहिए. फिर जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है तो तब उसकी एक इमेज हमारे मस्तिष्क में बनती है, एंड देन ओनली वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस. तो बच्चों लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, विच डेवलप्स, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन फीलिंग ऑफ साइट इन अवर माइंड इन अवर आईज, जिसके कारण हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं. ठीक है बच्चों, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है लाइट की. ये बात समझ आ गई आपको? एंड देयर इज नो साइट विदाउट लाइट. लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते. देयर इज नो साइट विदाउट लाइट. अब ये लाइट आएगी कहां से? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? चाहिए सोर्स ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज ए सोर्स ऑफ लाइट? एनीथिंग और समथिंग विच प्रोड्यूसेस लाइट, विच गिव्स लाइट, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ लाइट. अब बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, लेट मी टेल यू. सोर्सेज ऑफ लाइट, अवर चैप्टर इज लाइट. तो बच्चों सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन ल्यूमिनस, एंड सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस. Any source of light which has its own light is called a luminous source of light. Just hold on. Let me see, is it clear or not? Am I visible to all? Yes. Hello. Richa. Usko bulao Newton ko. Am I visible to all? I want to know. कि जो बोर्ड पर लिखा है, एनीथिंग विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, इज इट विजिबल टू ऑल? बिकॉज देन ओनली देयर विल बी सम मीनिंग ऑफ द क्लास. इसको चलाओ यार, फटाफट दिखाओ, इधर चैट दिखाओ. कौन है? चांद सर से बात करने का समय नहीं है, अभी लाइव चल रही क्लास. हाँ, इसको चलाइए. क्लास आ रही है सर? सर की उसमें नहीं आ रही. चलाओ इसको. तो बच्चों दो तरह के सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं. नंबर वन इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स. सो ल्यूमिनस सोर्स इज एनी सोर्स ऑफ लाइट विच हैज इट्स ओन लाइट. कोई भी सोर्स जिसकी अपनी लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. दिस वन luminous. For example, your sun. Sun has its own light. Sun की अपनी light होती है. Sun is a luminous source of light. Yes, yes it is. Now, yes, start it. इसको नीचे करिए. Yes. And second one is non-luminous source of light. तो बेटा सन कैसा है आपका? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, सन है. ठीक है, या आपका कोई बल्ब है, ट्यूब लाइट है, दीज आर ल्यूमिनस सोर्स. अब आपने देखा होगा कि रात को मून भी लाइट देता है, मून से भी लाइट आती है. तो क्या वो मून की अपनी लाइट होती है? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि मून की लाइट अपनी लाइट नहीं है. मून शाइन्स टू द लाइट ऑफ सन. तो मून कैसा सोर्स ऑफ लाइट है? मून इज ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, नॉन ल्यूमिनस. ठीक है बच्चों, तो जिस ऑब्जेक्ट, अब यहां से जिस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट हो वो क्या होगा? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. और जिसकी अपनी लाइट ना हो वो क्या होगा?
एनी प्रॉब्लम? इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बैठ जा आराम से, जिसकी यही बैठ रही है, जिसकी अपनी लाइट ना हो दैट इज कॉल्ड एज, यहां से देखते रहो इधर बैठ के, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, जिसकी अपनी लाइट ना हो दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमें दिखा रही हैं, दिखाई दे रही है, एनी ऑब्जेक्ट्स विच वी आर एबल टू सी अराउंड अस, यू नो दैट वी आर एबल टू सी देम ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन देम। ठीक है, सपोज आई यू आर सीइंग दीज लेटर्स ऑन द रिटन ऑन दिस बोर्ड, जो भी आपको इस बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है? सबसे पहले एक सोर्स ऑफ लाइट है, सन हो सकता है वो सोर्स ऑफ लाइट, या कोई बल्ब हो सकता है, उससे लाइट पढ़ के इस पे जा रही है, फिर वो लाइट इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है और फिर आपकी आंखों में जा रही है। ठीक है, तो आपकी आंखों के लिए, आपकी आंखों को लाइट कहां से मिल रही है? अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इससे मिल रही है, तो फॉर योर आईज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और इसकी लाइट अपनी तो है नहीं, इसको लाइट कहां से मिली है? बल्ब से मिली है, सन से मिली है। ठीक है, सो दिस इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। सपोज आई एम एबल टू वॉच दिस पेन ड्यू टू द लाइट फॉलिंग ऑन इट, सबसे पहले सोर्स से लाइट इस पे पड़ती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में जाती है, जिसके कारण मैं इस पेन को देख पा रहा हूं। सो द लाइट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस पेन टू माई आईज, सो फॉर माई आईज दिस पेन इज द सोर्स ऑफ लाइट, बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ये लाइट कहां से मिली इसको? बल्ब से या सन से मिली। सो दिस पेन इज वॉट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट? इट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ कि लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ साइट हमारे माइंड में, हमारी आंखों में प्रोड्यूस करती है। आफ्टर दैट आपको क्लियर हुआ कि उसके लिए क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, ल्यूमिनस सोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है बच्चों, एंड इन वैक्यूम और इन फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, तो वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है, द स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट स्पीड। इस दुनिया में सबसे तेज यदि कोई चीज ट्रेवल कर सकती है बच्चों, तो वो ट्रेवल करती है हमारी लाइट। और लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है, उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों सिंबल स्मॉल सी से, एंड इट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट इट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपको याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट। यस यस रजनी मोना जैन, बताइए बेटा क्या क्या रिक्वायरी है आपकी, बताइए। बताइए क्वेरी क्या है, आई एम टेकिंग ऑल योर क्वेरीज। फॉर दिस आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रजनी मोना जैन कि आपने क्वेश्चन पूछा। बच्चों मैं आप सबको बार बार बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पूछने का बेस्ट टाइम वही है जब आपके माइंड में क्वेश्चन आए। अगर डाउट आपने आज नहीं पूछे तो आप कभी डाउट नहीं पूछ पाएंगे, ये डाउट हमेशा डाउट ही रह जाएंगे। सो व्हेनेवर अ डाउट अराइजेज इन योर माइंड यू शुड आस्क इट इमीडिएटली। ओके, अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो अभी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एज द टॉपिक्स प्रोसीड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। तो ये हमने देखा सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। ओके, सेकेंडली इस चैप्टर में बच्चों हम बात करेंगे मिरर की। व्हाट इज ए मिरर? व्हाट इज ए मिरर? तो बच्चों मिरर बनाने के लिए, मिरर कैसे बनता है, आपके घर में भी मिरर होगा, एंड दैट इज ए प्लेन मिरर दैट यू जनरली यूज इन योर होम। तो प्लेन मिरर हम कैसे बनाते हैं? फॉर दैट वी टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, हम कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेते हैं, एंड वी पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड, और उसके एक साइड हम उसको पॉलिश कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरा फोन कहां है? सपोज अगर ये ग्लास हो, इफ इट इज ट्रांसपेरेंट, सो वी पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड, एक साइड से हम इसको पॉलिश कर देंगे और दूसरी साइड से हम इसमें अपना फेस देख सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम, मेरा फोन लाओ, दैट विल बिकम ए मिरर। तो मिरर बनाना बहुत सिंपल है,
ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसको एक साइड से पॉलिश कर दीजिए, यू विल गेट ए मिरर। ठीक है, अब पॉलिश कैसे करनी है? अब ये चेरी की पॉलिश, बाटा वाली, शूज वाली, वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका फेस आपको दिखाई देगा। अदरवाइज जनरली जो मिरर्स होते हैं उसमें बच्चों सिल्वर पॉलिश होती है, तो सिल्वर पॉलिश अगर हम करते हैं एक साइड से तो अदर साइड यू कैन सी दैट यू कैन सी योर इमेज, आपका फेस आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, तो अदर साइड विल बिकम द शाइनी साइड। ओके, सपोज इसको हम कैसे शो करते हैं, सपोज ये एक मिरर है, सॉरी ग्लास है पहले, ट्रांसपेरेंट ग्लास, और मैं इसको इधर से पॉलिश कर दूं, ये पॉलिश को शो करने का तरीका है। इस तरह से हम हेयर जैसे बना लेते हैं, तो ये वाली जो साइड है इधर से हम अपना फेस देख सकते हैं, एंड वी कॉल इट शाइनी साइड। इधर से हमने क्या किया, पॉलिश किया इसको, ऑन द अदर साइड यू कैन सी योर फेस। वर्टिकल मिरर अगर मैं बनाऊं तो इधर से पॉलिश होगा और इधर साइड, ये वाली साइड क्या होगी, इट विल बी द शाइनी साइड। सो डियर लर्नर्स, इट इज प्लेन मिरर। ठीक है, ये हम जनरली अपने घर में यूज करते हैं। एक और भी मिरर होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, सपोज इफ यू टेक ए होलोस्फीयर ऑफ ग्लास और होलोस्फीयर ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अगर हम एक होलोस्फीयर ले लें लाइक दिस, एंड इफ वी कट ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम इट लाइक दिस, ऐसे काट लें लाइक दिस, एंड इफ यू पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड, इधर से पॉलिश कर दें अंदर की साइड से, या हम बाहर की साइड से भी इसको पॉलिश कर सकते हैं, इधर से पॉलिश कर दें, तो बच्चों इससे जो मिरर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम एक प्लेन ग्लास लेकर पॉलिश करें वन साइड, तो वी विल गेट ए प्लेन मिरर, एंड इफ वी कट स्मॉल पार्ट फ्रॉम ए स्फीयर, स्मॉल सेक्शन ऑफ द स्फीयर, होलोस्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, रिमेंबर अगर हम कट करें, एंड इफ वी पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड, वी गेट ए स्फेरिकल मिरर। ओके, गिव मी दैट प्लेट, यू गेट ए स्फेरिकल मिरर। तो एक साइड हम पॉलिश करेंगे, दूसरी साइड आप उसकी इमेज अपने उसमें फेस इसमें देख पाएंगे। आपके घर में स्पून आपने देखी होगी, तो बताइए स्पून किस टाइप का मिरर है, स्पून जो होती है किस टाइप का मिरर है। तो स्पून में बच्चों दोनों साइड आप अपना फेस देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं और दूसरी साइड भी देख सकते हैं। तो स्पून कंकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर दोनों तरह काम करती है, तो स्पून भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करती है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, जब हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मिरर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लेना है और उसको एक साइड से पॉलिश कर देना है, वी जस्ट गेट ए मिरर। ठीक है, तो एक साइड शाइनी साइड हो जाएगी। और मिरर दो टाइप के हमने देखे अभी, प्लेन मिरर पढ़ने और हमें स्फेरिकल मिरर पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आई टोल्ड यू दैट वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस ड्यू टू लाइट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड हैपन, सपोज दिस इज एनी एप्पल, सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, इट मे बी सन और बल्ब, सो लाइट शुड फॉल ऑन द एप्पल, इट शुड स्ट्राइक द एप्पल, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द एप्पल रिफ्लेक्ट, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टू योर आईज एंड यू विल बी एबल टू सी द एप्पल। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड यू सी बिहाइंड द फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्विंग द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, सबसे पहले सोर्स की लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, एंड आफ्टर दैट इट विल गो टू योर आईज एंड यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स अराउंड यू। सो दिस बाउंसिंग बैक, ये जो आप देख रहे हैं यहां से कि लाइट टकरा के वापस आ रही है, ठीक है, दिस बाउंसिंग बैक इज, इट इज ए फिनोमिना, वी कॉल इट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में हम कुछ फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे। अब आपके मस्तिष्क में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिनोमिना क्या बता दिया सर ने, फिनोमिना। तो फिनोमिनन एक होता है बच्चों, फिनोमिनन और एक होता है फिनोमिना। फिनोमिनन मीन्स एनी हैपनिंग, कोई भी घटना, दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर मैं, एनी हैपनिंग, कोई भी चीज जो आपके चारों तरफ हो रही है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं एंड यू आर एबल टू सी मी, दिस इज ए फिनोमिना। आई एम एबल टू राइट ऑन दिस बोर्ड, इट इज ऑल्सो ए फिनोमिना। वी आर एबल टू वॉक ऑन द
floor due to friction, it is a phenomena. And if I drop something, suppose this is the ball, and if I drop it, it always falls down. This is a phenomena. Okay? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं तो नीचे गिरता है, ये भी क्या है, फिनोमिना है. और डेज और नाइट का बनना भी फिनोमिना है. तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हमारे चारों तरफ होते रहते हैं. ठीक है बच्चों, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. हम कुछ ऐसे फिनोमिना की बात करेंगे. फिनोमिनन इज ए सिंगल, कोई भी अगर एक घटना है इसको फिनोमिनन बोलते हैं. और अगर बहुत सारी हमारे चारों तरफ बहुत सारे फिनोमिना होते रहते हैं तो उसके लिए प्लूरल वर्ड हम यूज करते हैं फिनोमिना. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग द फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. देर आर सर्टेन फिनोमिना विच हैपन अराउंड अस इन विच लाइट इज इन्वॉल्व, जहां पर लाइट का कुछ ना कुछ रोल है. ठीक है, जैसे एक फिनोमिना मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आप इस एप्पल को देख पा रहे हैं तो दिस इज ए फिनोमिना ऑफ लाइट एंड इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ठीक, दूसरा फिनोमिना, आप कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल है उसकी जो गहराई हमें दिखती है वो एक्चुअल गहराई से कहीं कम दिखती है. और यू कैन से व्हेन यू आर बाथिंग, तो आपने देखा होगा कि बॉटम ऑफ द टैंक और बॉटम ऑफ द बकेट यू आर यूजिंग इट अपीयर स्लाइटली रेज्ड, थोड़ी उठी हुई दिखती है. या कोई कॉइन अगर उसमें हम डालते हैं वो भी उठा हुआ दिखता है. एंड इफ आई पुट ए स्टिक इन वाटर तो स्टिक अपीयर्स ब्रोकन, ये भी बच्चों एक फिनोमिना है. ठीक है, तो इस तरह का जो फिनोमिना है दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ये भी फिनोमिना है. इन हॉट समर डेज एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लाइट, गर्मियों में बच्चों आपने देखा होगा कि ऑन रोड्स कोल्टा रोड्स यू फील दैट इट अपीयर्स दैट समवन हैज थ्रोन वाटर ऑन द रोड, इट इज ऑल्सो फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, वी कॉल इट मिराज, एंड इट इज ड्यू टू ए फिनोमिना ऑफ लाइट कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यू विल स्टडी लेटर ऑन. प्रिज्म में बच्चों आपने लाइट पास की होगी, या आपके घर में आप जब सोप यूज करते हैं तो सोप बबल्स होते हैं, वहां पर आपको उसमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं. और व्हेन यू थ्रो सोप सोपी वाटर ऑन द ग्राउंड और ऑयल यू फील दैट देयर आर सम कलर्स, डिफरेंट कलर्स अपीयर, एंड दिस इज ऑल्सो ए फिनोमिना, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इट इज अगेन रिलेटेड टू लाइट. ऐसे ही बच्चों प्रिज्म में, आपने कभी प्रिज्म अगर देखा हो तो प्रिज्म में से हम लाइट को पास करते हैं, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, एंड व्हेन इट इज पास थ्रू प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू सेवन कलर्स, इट इज अगेन ए फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट विच इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. ठीक है, यू आर एबल टू सेंड द रेड लाइट, योर डेंजर सिग्नल्स आपके कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं, क्योंकि लाल कलर बच्चों बहुत दूर तक जा सकता है, लाल कलर में स्कैटरिंग नहीं होती, तो स्कैटरिंग इज अगेन ए फिनोमिना ऑफ लाइट. सो फ्रेंड्स देर आर सो मेनी फिनोमिना इन विच लाइट इज इन्वॉल्व. ठीक है, एंड दिस एक्चुअली स्टडी ऑफ दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. यहां पर बच्चों हम बेसिक स्टडी करेंगे, कुछ फिनोमिना हम पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन वी विल डिस्कस ए लिटिल बिट डिस्पर्सन, ओके, एंड स्कैटरिंग. थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको इन सबका भी हम दे देंगे. तो बेसिकली जो इस चैप्टर में स्टडी करना है, दो मेन फिनोमिना स्टडी करने हैं इन योर 10th क्लास. नंबर वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दो चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों, तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. ओके, तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बच्चों आपने बाउंसर बॉल सुनी होगी, ठीक है, कुछ जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बाउंसर बॉल का यूज करते हैं बैट्समैन को हिट करने के लिए. ठीक है, तो बॉल जब जमीन पर टकराती है तो टकरा करके उछलती है, एंड दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक. क्या बोलते हैं इसको हम, बाउंसिंग बैक. इफ आई हिट इट ऑन द वॉल अगेन आई गेट इट बाउंस बैक लाइक दिस, इस तरह से ये बॉल टकरा करके वापस आती है. ठीक है बच्चों, सो दिस बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन.
इस बाउंसिंग बैक को बच्चों रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सर आइज़ैक न्यूटन कहते हैं कि जो लाइट है बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऐसे चलती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इन ए मीडियम। तो लाइट का जो पाथ है बच्चों कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ, और वी कॉल इट रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ एंड रेक्टिलिनियर पाथ बोथ आर सेम, एक ही बात है। तो बच्चों लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, यहां पे वो इस बॉल की तरह, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो टकरा करके वो वापस आती है, एंड दिस टकरा करके वापस आना, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको, तो डेफिनेशन इसकी समझे हम लोग, इट इज द फिनोमिनन ऑफ अब क्योंकि एक फिनोमिना है तो मैं लिखूंगा फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पर टकराने के बाद बच्चों जब लाइट बाउंस बैक करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं, जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है इसके रूल्स होते हैं। लेट मी टेक एनी क्वेरीज इफ यू हैव, ओके इसका है इनको बोलो क्लास चल रही है उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। कुछ है तो इनको बता दे जरा। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वो हमें याद रखने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब एग्जाम में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों लॉज की आपको स्टेटमेंट याद करनी है, ओके। तो बच्चों लेट अस सपोज टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट आई ड्रॉ अ मिरर, सपोज दिस इज अ मिरर। तो मिरर कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया, वी टेक ए प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, एंड वी पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड। तो बच्चों ये वाली साइड क्या हो गई, शाइनी साइड, ओके। Let us suppose there is a ray which is falling onto this mirror. This ray we called as incident ray. इसको बच्चों क्या बोलते हैं, incident ray, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आपतित किरण, आपतित किरण, okay. This point is called point of incidence. और कहते हैं इसको आपतन बिंदु, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बोलने में मजा आ रहा है, आपतन बिंदु। If I draw a perpendicular at this point, this perpendicular is called normal, बच्चों. We call it normal. And friends, this normal is not any ray. ये कोई ray नहीं है, ठीक है? This is normal and this is incident ray. तो जब ये ray आएगी, तो टकरा करके इस तरफ चली जाएगी ऐसे. And this ray which is going away, this is called reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, यहां पे एक एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आई एंड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एक एंगल यहां पर भी है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड आर एंड वी नेम इट एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले आपको समझना है टर्म्स क्या है, आई क्या है,
angle of incidence. Now can you define the angle of incidence? Angle of incidence is the angle between incident ray and normal. ठीक है? और angle of reflection क्या है? It is the angle between reflected ray and normal. This is called angle of reflection. बच्चों इस तरह का experiment आपने घर में कई बार बचपन में किया भी होगा. आपने mirror लेकर, अगर हम ये mirror ले लें, ठीक है, और हम घर में टॉर्च लें और टॉर्च से इस तरह लाइट इस पे हिट करें, तो आपने देखा होगा कि लाइट का जो स्पॉट है इस तरफ कहीं बनता है ऊपर, तो लाइट टकरा करके ऐसे जाती है. ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे दिखा रहे हैं. तो जो लाइट इस पे ऐसे फॉल करेगी, दिस इज इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाएगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. और इस पॉइंट पे जहां पे लाइट पड़ रही है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दैट परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल. उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे. और ये समझ लें कि नॉर्मल इज नॉट ए रे, ये कोई रे नहीं है. क्लियर आपको ये बात? तो ये तीन बातें समझ आई, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल याद रखना है ये समझने के लिए कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ है. तो पहला लॉ बच्चों क्या कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, व्हेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो व्हेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. डियर लर्नर्स, दीज एंगल्स विल ऑलवेज बी इक्वल. कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एंगल डिफरेंट हो. ठीक है, जितने एंगल से ये आएगी सेम एंगल से इधर जाएगी, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. सो व्हेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट एनी सर्फेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो बच्चों दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड रूल इज, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यू नो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. प्यारे बच्चों ये बोर्ड एक प्लेन है, वी कॉल्ड इट ए प्लेन. जैसे सपोज करिए, ये सपोज ये कार्डबोर्ड है, तो ये जो सरफेस है, दिस इज ए प्लेन, दिस इज ए प्लेन. आपका जो फ्लोर है वो भी एक प्लेन है. आपके जो कमरे की वॉल्स हैं वो भी क्या है? एक प्लेन है. ठीक है, तो ये बोर्ड भी एक प्लेन है. ठीक है, सो दे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे. यू कैन सी दैट ऑल दीज थ्री, नंबर वन इंसिडेंट रे, नंबर टू नॉर्मल, एंड नंबर थ्री रिफ्लेक्टेड रे. All these three are present, they are lying on the same board. And if I say on the same plane, it will be much better to say. Okay? तो तीनों के तीनों ही एक ही plane पर lie करेंगे. Incident ray, normal और reflected ray, all lie in the same plane. बच्चों ऐसा कभी नहीं होगा कि incident ray यूं आई, ये normal है, और reflected ray board से निकल के बाहर चली गई ऐसे. ऐसा कभी नहीं होगा. तीनों के तीनों, जैसे कि अगर ये इंसिडेंट रे है और इस प्लेन यहीं पे नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में रहेगी, इस प्लेन में. ठीक है, अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है और यहां नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में रहेगी. तो तीनों का जो प्लेन होता है वो सेम होता है. सपोज यू ड्रॉ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑन द फ्लोर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बच्चों आपको फ्लोर पे ही दिखानी पड़ेगी. आई मीन टू से कि तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं. सो यू विल राइट इंसिडेंट रे, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो बच्चों ये दूसरा लॉ है. सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. आपसे अगर पूछा जाए डिफाइन इंसिडेंट रे, ओके, so the ray which is falling on the surface is called incident ray. आपसे पूछा जाए define angle of incidence, so angle of incidence is the angle between incident ray and normal. Define angle of reflection, it is the angle between reflected ray and normal. And if he asks you to state the laws of reflection,
सो यू विल राइट दीज टू लॉज. आपको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, अभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस एंगल इज 30 डिग्री. कैन यू टेल व्हाट विल बी दिस एंगल? यस बताइए. 30 डिग्री. यस इट विल आल्सो बी 30 डिग्री. व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों होगा? Because angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Yes, because angle of incidence is always equal to angle of reflection. These two angles are always equal. ठीक है बच्चों? Now I ask you another question. Suppose, now it is a test for you. Suppose this is a mirror. And if a ray falls normally, perpendicularly on this mirror, ऐसे, सीधे एक रॉ पड़ रही है, बिल्कुल perpendicularly. ओके, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. सोच के बताइए ऑल ऑफ यू, इफ ए रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? चलिए बताइए. बताइए बताइए बताइए. What will be the angle of incidence? If a ray falls normally, what will be the angle of incidence? So, Gaurav Shukla saying 180 degree, Mukul Gupta 90 डिग्री बता रहे हैं. बच्चे 90 डिग्री नहीं होगा. विजयकांत प्रसाद वेरी गुड. अमन शर्मा वेरी नाइस बेटा. आशीष पांडे यू हैव गॉट द कंसेप्ट वेरी नाइस. और बताइए प्रशांत चौधरी बेटा 90 डिग्री नहीं होगा. मैंने आपसे पूछा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो पहले आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करना है. एक बार मेरे साथ दोबारा डिफाइन करो. चलो प्रशांत चौधरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन व्हाट? बताइए. इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है. सपोज मैं इसको ऐसे दिखाता हूं आपको. सपोज दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज इंसिडेंट रे. So this is the angle of incidence. ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है. बट अगर ये इंसिडेंट रे मैं ऐसे 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 इसको घुमाऊं, रोटेट करूं और ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको घुमा करके वर्टिकल बना दूं, तो बताओ ये एंगल, तो एंगल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अगर मैं इसको सपोज ये थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे है. इफ आई रोटेट दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, तो ये एंगल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा. एंड फाइनली जब ये ऐसे खड़ी हो जाएगी तो दिस एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बिकम जीरो. ठीक है, तो ये एंगल जो है इसके और इसके बीच में नहीं है बच्चे. बंद तो पड़ी है कांच दे रहा. चल गई. तो प्यारे बच्चों वेलकम बैक वंस अगेन. देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन द वीडियो, ड्यू टू इट स्टॉप. नाउ अगेन वी आर लाइव. So this angle of incidence will be zero. अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो बच्चों कितना होगा? Answer will be zero. If a ray strikes normally, तो angle of incidence क्या होगा? Zero होगा. Now I ask you, what will be the angle of reflection? बताइए इस ray के लिए angle of reflection क्या होगा? बताइए.